उदाहरण 5, बहुपद 2x3 धन 4x-3 को बहुपद x-2 से भाग कीजिए। हल, यहां भाज्य है हमारा 2x3, उसके बाद x2 नहीं है, इसीलिए हम इसे धन 0 × x2 लिखेंगे। यहाँ पे 0 को जब हम x2 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही प्राप्त होगा, और चूंकि हमारे पास x2 नहीं है इसीलिए हम 0 × x2 लिखेंगे, धन 4x-3। ये हमारा भाज्य है, और हमारा जो भाजक है जिसे हमें भाग करना है वह है x-2। यहाँ भाज्य 2x3 धन 4x-3 है, जिसे हम 2x3 धन 0 × x2 धन 4x-3 लिख सकते हैं। वह भाजक जो है हमारे पास x-2 है। अब हम इसे भाग करने के लिए x को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2x3 मिले, इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 2, तो 2x मिलेगा। तो 2x3 लाने के लिए हमें x2 और लिखना पड़ेगा। तो जब हम x को 2x2 से गुणा करेंगे तो हमें 2x3 प्राप्त हुआ, और ऋण 2 को पुनः हम 2x2 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 4x2 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे इसका चिन्ह बदलेंगे क्योंकि हमें इसे घटाना है, तो 2x3 ऋण 2x3 प्राप्त होगा 0, और 0x2 और धन 4x2 को जो जोड़ने पर हमें 4x2 मिलेगा, फिर धन 4x-3। अब हमें x को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें 4x2 प्राप्त हो, इसके लिए हम धन 4x से गुणा करेंगे। तो x को धन 4x से गुणा किए तो ये हुआ 4x2, और ऋण 2 को धन 4x से गुणा करेंगे तो ऋण 8x। अब इसे घटाने के लिए हम इसके चिन्हों को नीचे वाले पद के चिन्हों को बदलेंगे, तो 4x2 में से ऋण 4x2 को घटाए तो हमें 0 मिला, और धन 4x और धन 8x हमें प्राप्त होगा 12। धन 12x धन को लिखेंगे नहीं, 12x, और ऋण 3 को फिर से हम इसे नीचे उतारेंगे। अब x को ऐसे किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें 12x मिले, तो धन 12 से जब हम गुणा करेंगे x को तो ये 12x मिलेगा, और ऋण 2 को धन 12 से गुणा करने पर हमें ऋण 12 × 24 प्राप्त होगा। अब इसे घटाने के लिए नीचे वाले पद 12x का जो चिन्ह है बदलेगा, और ऋण का ये धन होगा, तो 12x में से 12x को घटाए तो 0, और ऋण 3 धन 24 बराबर हमें 21 प्राप्त हुआ। इस तरह से जो हमारा भागफल है वह हमें प्राप्त हुआ 2x2 धन 4x धन 12, और शेषफल जो है वह हमें मिला 21। तो भागफल मिला 2x2 धन 4x धन 12, और शेषफल बराबर 21। यह इस प्रश्न का हल है।